सोलन उपायुक्त कार्यालय के सभागार में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चरण दो की बैठक आयोजित की गई। जिला स्तरीय इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सोलन केसी चमन ने की। बैठक में जिला के गांवों में हुए विकास को लेकर समीक्षा की गई। वहीं दूसरी ओर योजना के दूसरे चरण को और बेहतर ढंग से कैसे चलाया जाए इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। सोलन उपायुक्त कार्यालय के सभागार में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चरण दो की बैठक आयोजित की गई। जिला स्तरीय इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सोलन केसी चमन ने की। बैठक में जिला के गांव में हुए विकास को लेकर समीक्षा की गई। वहीं दूसरी ओर योजना के दूसरे चरण को और बेहतर ढंग से कैसे चलाया जाए इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर जिला भर से आए प्रधानों ने भाग लिया और उन्हें जानकारी उपलब्ध करवाई गई कि कौन कौन सी योजनाएं उनके गांव में आरंभ की जा सकती हैं और कैसे वे गांव का विकास करवा सकते हैं। उन्होंने इस मौके पर जानकारी देते हुए सोलन जिला कल्याण अधिकारी बीएस ठाकुर ने बताया कि आदर्श ग्राम योजना चरण दो में पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंचायत प्रतिनिधि इन कार्यों की जानकारी उच्च अधिकारियों को देंगे, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर डीपीआर बनाकर पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना को सफल बनाने के लिए गांव के प्रत्येक घर का सर्वे किया जाएगा। सर्वे के आधार पर ग्राम विकास योजना बनेगी, जिसके आधार पर भी गांव का विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये सर्वे 15 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। आज की बैठक जो थी ये प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना के अंतर्गत बुलाई गई थी। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल कन्वर्जेंस कमेटी की बैठक थी है। इसमें माननीय उपायुक्त महोदय जो है इसके अध्यक्ष है, बाकी जो संबंधित विभाग है वो इसके सदस्य हैं, और जिन पंचायतों में ये स्कीम जो है शुरू की जा रही है उन पंचायतों के प्रधान साहबान बुलाए गए थे। तो उनको इस बारे में बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या होने वाला है, तो उस सिलसिले में ये बैठक बुलाई गई थी। इसमें हर पंचायत को 20 लाख रुपए की फंडिंग होगी भारत सरकार के द्वारा, और इसमें जो विलेज लेवल जो कन्वर्जेंस कमेटी गठित की गई है उसमें प्रधान चेयरमैन होंगे और सेक्रेटरी उसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे, और हमारा तहसील वेलफेयर ऑफिसर उनका नोडल ऑफिसर होगा। जो भी उसमें स्कीम में उनको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उनको एकदम से कोऑर्डिनेट करेंगे। हर घर का एक सर्वे होना है, तो उस सर्वे में जितने फैमिली मेंबर होंगे उसमें जितने भी कॉलम जो होंगे वो फिलअप करके जो है वो विद इन 15 दिन का समय दिया गया है सर्वे का, और उसके बाद ये सर्वे जो होगा ये ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है वीडीपी बनेगी, विलेज डेवलपमेंट प्लान, ग्राम विकास योजना बनेगी। वो भी जो हमारी विलेज लेवल जो कमेटी है वही इसको आइडेंटिफाई करेंगे वर्क्स को कि क्या क्या काम इस गांव के अंदर किए जाने हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।